ऑन कर दूं? हाँ, अब पहले मेरे को आप लोग डाउट डाउट है कोई बेटा? सर वो आपने पहले डाउट है कोई? क्या सर आपने पिछली क्लास की पीडीएफ नहीं भेजी थी? पीडीएफ नहीं भेजा, पीडीएफ भेजू बेटा? रिकॉर्डिंग तो मिल गया था यूट्यूब पे मेरा सर, वो भी नहीं भेजा था। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया था, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, है ना? मैंने YouTube पे पब्लिक लिंक अपलोड कर दिया था, बेसिक लिंक भेजता हूँ उसका, है ना? आज के ठीक है सर। हाँ चलो अपन पहले क्वेश्चन ई वाले पूरे कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने ई वाला कौन सा पढ़ा था? ये सारे क्वेश्चन कर ली क्या आपने? नहीं करे ने? मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। हेडिंग डालू बेटा, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ाया था, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई एक्स, आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिया था, है ना बेटा? एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया था हमारा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, मत बोलो प्लीज। जो क्वेश्चन है हमारे पास, x square plus 1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर ex dx। अब हमें पता है, देखो मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला कहा था, मैंने याद करने के लिए मैंने कहा था क्वेश्चन है इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेना। मैंने कहा था 1 upon x minus 1 upon x square ई एक्स डी एक्स, इसका आंसर आता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये मैंने कहा था याद करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। आप यहां देखो x प्लस प्लस वन दिख रहा है आपको, ऊपर देखो आपको x स्क्वायर दिख रहा है, और आपको याद आ रही होगी सर माइनस वन हो तो मजा आ जाता, तो आपने क्या करा, माइनस वन कर दिया, प्लस वन कर दिया, और ये प्लस वन यहां बैठा हुआ है तो इसको आपने कॉपी कर लिया। अगर इतनी सी बात समझ में आई है आपको तो आपको साफ दिखेगा ये x स्क्वायर माइनस वन दिखेगा आपको, और ये मिला के क्या दिखेगा, प्लस का 2 दिखेगा आपको, अपॉन में लिखा हुआ दिखेगा आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ दिखेगा दोनों के अंदर आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex dx। तो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको a माइनस b और a प्लस b, और नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसे कैसे कॉपी करा x प्लस 1 के स्क्वायर को, आपने ऐसे कैसे कॉपी करा, ex को आपने कॉपी करा, dx को आपने कॉपी करा, और अब ध्यान से देखो आप तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर दिया, और ध्यान से देखो तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, चाहो तो आप करके देख लो। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। मैं आपको करके दिखाऊं क्या? यहां देखो आप, ऊपर लिखा हुआ है x माइनस वन, नीचे लिखा हुआ है x प्लस वन। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, करो डेरिवेटिव, क्या आएगा देखो, dy by dx, नीचे वाले बोलना नहीं प्लीज यार, नीचे वाले का स्क्वायर ध्यान से देखो, नीचे वाले को आपने ऐसे तो सीखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा बताओ, माइनस, ऊपर वाले को आपने ऐसे लिखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताओ। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ऊपर तो आएगा एक्स प्लस वन और नीचे आएगा माइनस का एक्स प्लस का वन, ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 2 और नीचे क्या आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर।
और देखो ध्यान से, आप अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो लिखा हुआ है। तो बेटा हमेशा याद रख लो, देखो नीचे जो फैक्टर होता है या तो उसको काटने की कोशिश किया करो, या जैसा नीचे होता है उस जैसे कुछ ऊपर बन जाएगा, ताकि कट जाएगा। हमेशा याद रखो, एक तो बनेगा एफ एक्स और एक बनेगा एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बताइए समझ में आया क्या, मेरे बताओ क्या। देखो बेटा याद रखो, ई एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रखा है, ई एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कोई तरीका नहीं होता सॉल्व करने का। देयर इज ओनली वन वे, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, अगर ई एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है, और कोई तरीका नहीं है पहचानने का, है ना। चलो इसके अंदर आगे देखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, इसमें देखा अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फोर। देखो एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फोर देखो बेटा, आपको दे रखा है वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस टू लॉग एक्स, बड़ा ब्रैकेट यहां पे लगा रखा है, टू लॉग एक्स और ई एक्स डी एक्स, टू लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स, ये आपको दे रखा है। लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर वन अपॉन एक्स, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, टू लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स, ये आपको दे रखा है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अंदर लाके मल्टीप्लाई करा, तो आप देखोगे वन अपॉन एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, और ये वन अपॉन एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, और क्या दिख रहा है आपको साथ में, ई एक्स डी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको, ये वन अपॉन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये वन अपॉन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, मैं करके दिखाता हूं, मैं आपको बोलूं लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, डेरिवेटिव करो उसका आप, तो क्या लगाओगे, चेन रूल लगाओगे क्या, तो लगाओ चेन रूल, क्या आएगा बोलो, डीवाई बाई डी एक्स, बोलो क्या आएगा, है क्यों आएगा, पहले पहले पावर का करते ना बेटा, पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं, तो पहले तो आएगा टू लॉग एक्स, टू लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का करेंगे तो आएगा वन अपॉन एक्स। बेटा चेन रूल याद रखो, सबसे बाहर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो वैसे ही हो जैसे होता है ना बेटा, वरना गलती होने चांसेस बन जाएंगी बेटा आगे जाके। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एफ एक्स है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये एफ एक्स है, तो बताओ ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो आंसर क्या आता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। बोलो बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या। अब अगला क्वेश्चन इसके आगे लगाओ, इंपॉर्टेंट का मार्क, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिक्स फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको ई नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में ई नहीं है, देखो ध्यान से, वन अपॉन लॉग एक्स लिखा हुआ दिख रहा है आपके सामने, प्लस सॉरी माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है आपके सामने, और आपको ई नहीं दिख रहा, आपको ई नहीं दिख रहा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन इसी वाली फॉर्मेट का है जो कल सिखाया था, ये वन अपॉन एक्स दिख रहा है मेरे को लिखा हुआ, मेरे को वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है, ई एक्स लिखा हुआ दिख रहा है, डी एक्स लिखा हुआ दिख रहा है, ये वही पैटर्न है जो कल सिखाया था। आंसर आता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। आप बोलो सर हमें तो नहीं दिख रहा वाला पैटर्न लिखा हुआ, अब दिखेगा देखो बेटा, आप देखो ऐसे सीखो यहाँ पे, लेट या बच्चों प्लीज हाँ घर जाके प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बेटा प्लीज
भूलना नहीं प्लीज, लॉग एक्स को आपने टी माना, लॉग एक्स को आपने क्या माना, टी माना। अब यहां पे कुछ नहीं तो ई मानते बेटा, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग को रिमूव करना सिखाता हूं आपको, वैसे आता होगा 11 में सीखा होगा, लॉग ए टू द बेस बी बराबर सी दे रखा है, तो लॉग हटेगा तो क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा बी की पावर सी, ए बराबर आ जाएगा बी की पावर सी। तो यहां पे एक्स हटेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ई की पावर टी आ जाएगा, एक्स हटेगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी आ जाएगा। देखो बेटा अब इसको अगर डेरिवेटिव करो डी एक्स आएगा, ई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर टी होता है, डी टी होता है। तो यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे डी एक्स की जगह आ जाएगा ई की पावर टी डी टी, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा ई की पावर टी डी टी। और अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो आप, तो ये क्या देखा दिख रहा है, वन अपॉन टी, इसको आपने टी माना था क्या, देखो और ये क्या हो गया टी का स्क्वायर हो गया। अब देखो देखा क्या आपको ये लिखा हुआ है, तो जब भी आपको ऐसे लॉग लिखा हुआ दिखेगा तो सोचना एक बार ढंग से कि लॉग एक्स को अगर मैं ई में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या मेरा ये वाला फॉर्म बन जाएगा क्या, देखो समझो बात को, डीएक्स तो हमेशा क्या बनेगा, ये वाली फॉर्म बनेगी डीएक्स, तो डीएक्स तो यही बनेगा, लॉग को अगर टी में कन्वर्ट कर लोगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी क्या, और ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, टी की जगह वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स, टी हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या बेटा, आप बताओ आपको समझ में आ गया क्या सर, ये एक्स इक्वल्स टू ई टी कैसा आया। हाँ देखो बेटा ये लॉग हटाना सीखो, लॉग कैसे हटाते हैं, देखो लॉग हटाने का तरीका सीखो बेटा, ये देखो हटा, मैंने क्या कहा लॉग ए टू द बेस बी बराबर सी होता है, अगर लॉग हटता है तो क्या होता है, ए ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये तो ऐसे कैसे ले जाता है, बेस की पावर सी हो जाती है, बेस की पावर सी हो जाती है बी की पावर सी, तो आर्ग्यूमेंट तो ऐसे कैसे रहेगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर टी हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा ई की पावर टी हो जाएगा, बोलो ये समझ में आएगा कैसे हटाया लॉग को मैंने। यस सर अब आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन और दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये वाला, इसके बाद वाला ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी एक्स दे रखा है। करने की मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा यहां पे, पहले मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाता हूं क्वेश्चन को, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखो पहले लॉग एक्स को टी मानो और इसको इसी फॉर्म में लाएंगे हम, ई एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, हम कोशिश करेंगे उस फॉर्म में लाने की। तो मैंने क्या करा, मैंने लॉग एक्स को टी मान लिया, लॉग एक्स को टी माना तो यहां पे कुछ चीज क्या मानूंगा, ई मानूंगा, और लॉग हटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर ई की पावर टी हो जाएगा, डी एक्स बराबर आ जाएगा, डी एक्स बराबर आ जाएगा ई की पावर टी डी टी। अब इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने तो मैं इसको लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, लॉग 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 टी, लॉग टी, लॉग एक्स को टी माना था मैंने, लॉग एक्स को तो मैंने टी माना था ना यार, प्लस 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 क्या, वन अपॉन टी, और डी एक्स की जगह क्या, ई की पावर टी डी टी। अब ध्यान से देखो तो क्या दिखा आपको, ये तो एफ एक्स है, ये तो एफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है, ध्यान से देखो है कि नहीं बोलो, तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स एफ एक्स, उनकी बुक से करो ना, बहुत सारे क्वेश्चन उनकी बुक में दे रखे हैं, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आ गया क्या, ये मेरा क्या बल्ब है, बोलो बेटा आगे समझ में।
यस सर है। हाँ एक क्वेश्चन और है, एक मिनट रुको मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन काल के, आपकी बुक में नहीं दे रखा लेकिन वो बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एक मिनट दो मेरे को मैं लेके आया क्वेश्चन काल के। इसी पैटर्न को लेकर एक अच्छा क्वेश्चन और है बेटा, ये रहा, ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिल जाएगा हाथ की हाथ। मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, ये जो क्वेश्चन हमने किया बेसिक क्वेश्चन था, इसी का एडवांस वर्जन है। देखो ना अभी अभी हमने जो किया था उसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो इसके आगे अपन इंपॉर्टेंट का मार्क लगा के रखेंगे। हमने पहला काम तो वही करा, लॉग एक्स को हमने टी मान लिया। ध्यान से देखना, दो चीज सिखाऊंगा इसके अंदर अभी। लॉग एक्स को टी माना तो बना एक्स बराबर ई की पावर टी, और डी एक्स बराबर हो गया, डी एक्स बराबर हो गया ई की पावर टी डी टी के, डी एक्स बराबर हो गया ई की पावर टी डी टी के। क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये लॉग टी, क्या बनेगा ये लॉग टी, ये क्या बनेगा वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या बना ई की पावर टी डी टी। और यहां पर देखते ही पहले हमारे सपने संसार चकनाचूर हो गए, ये एफ एक्स है लेकिन ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। देखो ना लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो क्या आता है, लॉग एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो वन अपॉन एक्स आता है, तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां आके सारे सपने चकनाचूर हो गए बच्चे के कि अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन के अंदर? यहां पर बहुत प्यारा था कि यहां पर डेरिवेटिव था, हमने फॉर्मूला लगाया आंसर आया, e की पावर टी को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, कर दो कन्वर्ट, ये एक्स हो जाएगा और लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर, यहां पे मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए कि डेरिवेटिव नहीं है। अब ध्यान से सुनना बात को, आपने लॉग टी का डेरिवेटिव करा, क्या आया बताइए? तो आपने कहा सर डेरिवेटिव होके आ गया वन बाय टी, आप वन बाय टी का डेरिवेटिव वापिस करिए, क्या आया, क्या आया बताइए, माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर। तो ये क्या नंबर आपको वही लिखा हुआ दिख रहा है कि वन अपॉन टी स्क्वायर? आप बोलोगे सर साइन का फर्क है, तो याद रखो पहली बार डेरिवेटिव होके आता है तो वही साइन के साथ आता है, पहली बार डेरिवेटिव होके आता है तो वही साइन के साथ आता है। लेकिन जब दूसरी बार डेरिवेटिव होके आता है, जब दूसरी बार डेरिवेटिव होके आता है तो साइन चेंज होके आता है, तो मतलब हाँ सॉल्व तो हो जाएगा, हमें दो बार मतलब आई लेट लगाना पड़ेगा, सॉल्व तो हो जाएगा हमें दो बार आई लेट लगाना पड़ेगा भाई। एक बार डेरिवेटिव होके आता है सेम साइन के साथ आता है, याद कर लो, और दो बार डेरिवेटिव होके आता है तो साइन चेंज होके आता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर छुपा हुआ, मैं आपको करके दिखाता हूँ सॉल्व कैसे होगा आगे। तो इसको तो मैं हटा रहा हूँ रफकारे को, तो सारे को ये रफकारे सारे हटा दिया मैंने, अब मैं करके दिखाता हूँ। जब भी दो बार डेरिवेटिव होके आता है तो हमें याद क्या रखना है, साइन चेंज होके आएगा, कैसे आएगा समझो बात को। ये देखो मैंने लिखा लॉग टी ई की पावर टी, यहां पे मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इस वाले पार्ट को मैं छेड़ूंगा ही नहीं, ये दो बार डेरिवेटिव होने का कट जाएगा अपने आप, ये अपने आप कट जाएगा दो बार डेरिवेटिव होने के बाद। ध्यान से देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना मेरे को आई लेट, तो पहले लॉग आ रहा है तो लॉग तो बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ई बनेगा सेकंड फंक्शन। पहले वाले को ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट वाले को कॉपी करा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, माइनस लगाते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव करो क्या आएगा,
दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, इसको मैंने कहा छेड़ना ही नहीं है तो कटेगा भी, ये तो अभी कटेगा तो इसको छेड़ा ही नहीं मैंने, देखो वापस से मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो अब ये एलजेब्रा है तो ये बनेगा फर्स्ट, और ये एक्सपोनेंशियल है तो क्या बनेगा भाई, पहले एलजेब्रा आता है बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, तो इस वाले पार्ट को तो मैंने कॉपी करा ऐसे किया, इस वाले पार्ट को तो मैंने कॉपी करा ऐसे किया, ये तो कॉपी हो गया ऐसे किया ऐसे, देखो आप अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना था, पहले वाले को ऐसे कैसे कॉपी करा देखो मैंने, वाले को लिखा ऐसे कैसे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, माइनस लगाया, पहले वाले को डेरिवेटिव करो क्या आएगा, माइनस का दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, और ब्रैकेट बंद, और इसको मैंने क्या कहा था कॉपी करेंगे ऐसे कैसे। अब ध्यान से देखो अगर आप, तो ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस करके क्या हो जाएगा, और ये जो बाहर से माइनस आएगा ये सारी दुनिया पलट देगा इसकी, ये तो कॉपी करा हमने ऐसे कैसे, ये कॉपी करा मैंने ऐसे कैसे, बाहर से माइनस आया साइन चेंज हो गया क्या, और इसका बेचारे का भी साइन चेंज हो गया क्या, और अगर आप ध्यान से देखो अभी तो बाहर वाले ने अंदर वाले को कैंसिल करा नहीं करा, बोलो ये तो कॉपी हो रहा है ऐसे कैसे, क्या ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया क्या, तो मैं आपको यही कह रहा था कि दो बार डेरिवेटिव दिखेगा, दो बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, फर्स्ट नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा दूसरी बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या बात समझ में आ गई क्या, ये इसकी कहानी का पीस था, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आगे समझो कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं करके बुक में से, अब सारे देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो आप, ये आप इसमें छाट छाट के कर दे सारे क्वेश्चन, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, आपको दिख रहा है x माइनस थ्री, अपॉन में लिखा हुआ दिख रहा है x माइनस वन का होल क्यूब, हाँ कल मंडे को, थैंक यू बच्चों नमस्कार, पढ़िएगा घर जाके, बस पढ़ते नहीं है आप घर जाके, अरे ईशान को कह रहा हूं मैं, पढ़ रहे हैं ईशान जी, और ये वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा अच्छा, इसको अलग करो क्या करेंगे वही सेम बनाओ, नहीं चला जैसा ये सिखाया आज तक अपने, है ना जैसा नीचे वैसा बना लो, और फिर आप इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग, तो ये अलग कर दिया हमने और ये अलग कर दिया हमने, इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर दो, बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, नींद आ रही क्या, रुके अपनी क्लास को क्या करें, जैसे कल करें।